हेलो वेलकम टू टैक्शन में लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम किस तरह से एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन को इंस्टॉल करते हैं और हमने पूरा प्रोसेस कवर किया था इंस्टॉलेशन का एसीएस के लिए आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस सेशन को कन्फिगर करेंगे और उसके लिए जो हमारे को आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है वो हम कैसे एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले आप जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हो एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन का आपको ये दो शॉर्टकट आपके स्क्रीन पे मिलेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन वाले आइकन पर क्लिक करना है जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप एक इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो होगी यहाँ पे आपको कन्फिग्रेशन के लिए मैनेजमेंट ब्लॉक के सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो है फाइव टू फाइव ज़ीरो सेशन मैनेजर तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको इस तरह का एक स्क्रीन शो होगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू डिस्प्ले सेशन पे ठीक है और न्यू डिस्प्ले सेशन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास एक और स्क्रीन ओपन होता है यहाँ पे हम फर्स्ट तो सेशन नेम इनपुट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेशन नेम ले फाइव टू फाइव जीरो यहाँ पे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी सेशन सेट कर सकते हो उसके बाद में आपको डेस्टिनेशन एड्रेस डालना होता है डेस्टिनेशन एड्रेस में आपको वो आईपी डालना है जिसके थ्रू आप आई एक्सेस करना चाहते हो ठीक है तो अभी के लिए क्या हम इस पूरे सीरीज में जो पफ फोर हंड्रेड का एक फ्री सर्वर है उसको एक्सेस यूज करेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे पफ फोर हंड्रेड डॉट कॉम आप उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर डालोगे उसके बाद में पोर्ट हम बाई डिफॉल्ट ट्वेंटी थ्री रखेंगे बाकी सभी चीज हम डिफॉल्ट रखेंगे और स्क्रीन साइज को हम मैक्सिमम पे सेट करेंगे और ये इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद में आप डायरेक्टली क्लिक करोगे ओके पे तो जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी जहां पे आपसे आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा तो इस स्क्रीन को हमने सिस्टम कनेक्ट किया पब फोर हंड्रेड को और यहाँ पे ये हमारे से आईडी और पासवर्ड मांग रहा है तो ये आईडी पासवर्ड हमारे को कहाँ से मिलती है अब हम वो देखते हैं तो वैसे क्या है अभी जो हम सर्वर यूज कर रहे हैं वो है पब फोर हंड्रेड तो ये एक फ्री पब्लिक सर्वर है जो हमें एक लिमिटेड रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है आई बी एम एस फोर हंड्रेड सिस्टम को एक्सेस करने के लिए तो मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ कैसे हम अपना अकाउंट इस पर क्रिएट करते हैं तो इसके लिए आपको ब्राउज़र पे जाना है और अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ब्राउज़र पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है पब फोर हंड्रेड डॉट कॉम जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक पेज आएगा जो हमें एक आ, पब्लिक सर्वर प्रोवाइड करता है आई बी एम के लिए तो इस पे यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताइए कि क्या है ये पब फोर जैसे कि ये एक फ्री पब्लिक पब, आ, पब्लिक सर्वर है जो आई वी एम आई सेवन पॉइंट फोर प्रोवाइड करता है यहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ ये यह हमारे को थ्री हंड्रेड एम बी तक की डिस्क स्टोरेज देता है जो साथ में हमारे को टू प्राइवेट लाइब्रेरीज मिलती है डेवलपमेंट के लिए तो इसमें हम और लाइब्रेरी नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि ये एक फ्री सर्वर है इसलिए हमारे को ये लिमिटेड रहता है थोड़ा तो यहाँ पे हमारे को दो लाइब्रेरीज मिलेंगी साथ में हम हमारी ये इन इन लैंग्वेज पे हम हमारा प्रोग्राम कोड कर सकते हैं बाकी इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है आप इसको गो थ्रू कर सकते हो अब यहाँ पे हमारे को अकाउंट साइनअप करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे अपन साइनअप जैसे ही आप साइनअप पर क्लिक करोगे आपके पास एक इस तरह का पेज ओपन होगा यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस और रिपीट ईमेल एड्रेस डालना होगा मतलब आपको अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना होगा और एक आई बी एम यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा तो ये एक यूनिक यूज़र नेम होता है जो आप जैसे ही यहाँ पे अपना यूजर नेम डालोगे अगर वो अवेलेबल होगा तो वो आपको अलाउ करेगा अदरवाइज वो आपको कुछ और नेम सजेस्ट करेगा तो आप उसको अपना अकाउंट यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हो फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे पे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके सबमिट करना है तो जैसे ही आप सबमिट करोगे आपके पास एक ईमेल आएगा ईमेल में थोड़ा टाइम भी लग सकता है बट आपके पास एक ईमेल जरूर आएगा फोर हंड्रेड की तरफ से और आपको वहाँ पे अपना अकाउंट वेरीफाई कराना होगा जैसे ही आप वेरीफाई कराओगे तो आपको दो लाइब्रेरीज की इंफॉर्मेशन प्लस आपका यूज़र आई और पासवर्ड एक टेम्प्रेरी पासवर्ड मिलेगा जैसे ही आपको टेम्परेरी पासवर्ड मिलेगा आप उस टेम्परेरी पासवर्ड और यूज़र आई के थ्रू अपने इस सेशन पर लॉग कर सकते हो तो जैसे अभी मैं आपको अपने वाले यूज़र आई डी पासवर्ड से इसको एक्सेस करना बताता हूँ तो मैं वापस से वही डेस्टिनेशन एड्रेस कनेक्ट कर रहा हूँ जो है फोर हंड्रेड और ये हमने स्क्रीन साइज मैक्सिमाइज किया और ओके किया तो यहाँ पे अब जो हमें वो आईडी और पासवर्ड मिलता है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं तो अभी मेरा यहाँ पे टेम्प्रेरी मैंने परमानेंट उसको सेव कर दिया है तो मैं मेरा आईडी पासवर्ड यहाँ डालता हूँ फर्स्ट टाइम आपको टेम्परेरी पासवर्ड मिलता है तो उसको जैसे ही आप चेंज करते हो तो वो आपका एक परमानेंट पासवर्ड मिल जाएगा उस आईडी और पासवर्ड के बाद में आप इस स्क्रीन पे आओगे यहाँ पे आपको वापस से वो आईडी पासवर्ड डालना है और उस आईडी पासवर्ड को डालते तो अकाउंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है और उसके बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जहाँ पे हमारे को पॉप फोर हंड्रेड की एक्सेस है यानी ए एस फोर हंड्रेड सिस्टम अब हम एक्सेस कर सकते हैं तो यहाँ पे आपके जो भी वर्क में पीडीएम या जो भी आप फाइल्स क्रिएट करना चाहते हो प्रोग्राम राइट करना चाहते हो वो आप इस सिस्टम पर क्रिएट कर सकते हो तो एक बार सेशन कन्फिगर होने के बाद में आप डायरेक्टली उस सेशन को यहाँ पर सेव कर सकते हो तो सेव एस और जो भी आप अपना इस सेशन को नेम देना चाहते हो जैसे मैंने यहाँ पे टेक एस नेम से एक सेशन सेव किया हुआ है डेस्कटॉप पे आप उसको सेव कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिया टेस्ट डब बॉक्स और यहाँ पे सेव कर देंगे इसको तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे वापस से वो एसेस पे जाके ये वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है न्यू डैश प्ले सेशन और कॉन्फिगरेशन आप डायरेक्टली इस टेस्ट डब बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको वो मेन स्क्रीन शो होगा जहां पे हमको आईडी और पासवर्ड इनपुट करना होता है तो इस तरीके से आप 400 की आईडी पासवर्ड से आप अपना एस फोर सिस्टम को यूज कर सकते हो तो इस सेशन में हमने मेनली यही देखा कि कैसे हम एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन पे अपना सेशन कन्फिगर करते हैं और फिर हमारे को पब फोर हंड्रेड पे साइन अप करके किस तरह से आईडी पासवर्ड मिलेगा तो आज के लिए इतना ही था नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में देखेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सर मच